ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एडिटोरियल टुडे में और आज है 21st of November। शुरुआत करते हैं सेशन की हमेशा की तरह पॉजिटिव एक कोट से। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड पर फटाफट बढ़ते हैं। और देखिए बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं। ये बात अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर आपके सामने लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव फील करिए। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हार नहीं माननी है, ये बात दिमाग में रखनी है। छोटा हारा है तो छोटे को आपको झेलनी है प्रॉब्लम को और उसको ओवरकम करना है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ओवरकम करना है, क्योंकि आपकी वो कैपेबिलिटी है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं सेशन में और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या हमारे आर्टिकल्स आए हैं जिनको आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वन बाय वन, ठीक है ना। तो आपने अपने न्यूज़पेपर आप लोग उठा लो जिनके पास है, और नहीं है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तो वन बाय वन देखेंगे। तो छोटे से लेकर बड़े सारे आर्टिकल आए। पहला आर्टिकल जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे, टसल बिटवीन RBI एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसको लेकर जब मीटिंग हुई परसों यानी कि मंडे को, उसको लेकर ये आर्टिकल आया, गिव एंड टेक। मीटिंग में बोर्ड ने डिसाइड किया दोनों के लिए, गिव एंड टेक है, दोनों के लिए है कि कुछ आप दो कुछ आप लो, राय सीधी सी बात है। तो चाहे वो फिर हमारी सेंटर रही हो और चाहे वो RBI रही हो, दोनों के फायदे की कुछ बात यहाँ पर हुई है, कई सारे डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं। तो उन सभी डिसीजन जिनको लिया गया है यहाँ पर, उसको हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं ऐसे बात जब बताऊँगा डिटेल में तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर, और ये आर्टिकल नेक्स्ट हमारा ये है, देखिए आर्टिकल है व्हेन जायंट्स क्लैश। जो जायंट्स हैं हमारे, जायंट्स का मतलब किनके बोला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी बात हो रही है। और जब कभी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की फ़िलहाल अभी सिनेरियो में बात आती है तो एक तरफ आता है हमारा US और दूसरी तरफ आता है हमारा चाइना, एक तरफ आता है हमारा US दूसरी तरफ आता है चाइना। यहाँ पर बात एपेक की हो रही है। एपेक की फुल फॉर्म आपको पता होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अभी ये जब समिट हुआ तो उस समिट में दोनों को लेकर अलग अलग अपने अपने पक्ष दिए गए। बेसिकली समिट किन लोगों को होता है, एशिया पैसिफिक नाम से अगर आपको पता चल रहा है तो जो एशिया रीजन है हमारा, अगर वर्ल्ड के मैप में देखेंगे, अब जैसे मेरे पास मैप नहीं, जरा देख लेना, ये यहाँ पर ये पैसिफिक रीजन आ गया, यहाँ पर अगर हमारा इंडिया है तो इसका रीजन की बाउंड्री वाली कंट्री, यहाँ की जो बाउंड्री वाली कंट्री मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो यहां पर है। आप लोग जरा मुझे बताएंगे कितने मेंबर्स हैं एपेक में, यानी कि इस कॉर्पोरेशन में कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्री है, उसके नाम मुझे बताएंगे आप लोग, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो ढूंढ के मुझे बताओ। हुआ है इसमें ये है, आपको एक्चुअल में खुद पढ़ना है, अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है कि इन दोनों का जो ट्रेड है, बेसिकली जो भी ट्रेड हो रहा है यहाँ पर जो एशिया पैसिफिक रीजन में होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी GDP जो तकरीबन बनती है पूरे वर्ल्ड की, वो 51% के आसपास बनती है, ठीक है, यानी कि जो बहुत बड़ा रेशियो है। इसका मतलब यहाँ अगर इनके ट्रेड में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो उससे कि काफ़ी बड़े हद तक इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। और एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको तो पता है ना कि US क्या करता है कि चाइना से जो भी सामान आएगा US के अंदर वो उस पर टैक्स यानी कि ड्यूटी उस पर लगा देगा, एक्साइज ड्यूटी लगा देगा, वो भी ज़्यादा, राइट, टैरिफ ज़्यादा लगा देगा। सेम एज चाइना ऐसा कर रहा है कि US का कोई सामान अगर चाइना में आएगा बिकने तो वो भी उसके ऊपर क्या है कि एक्साइज ड्यूटी या फिर टैक्स उसमें ज़्यादा लगा देगा, टैरिफ ज़्यादा लग जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेड वॉर, और यही ट्रेड वॉर चल रही है काफ़ी टाइम से। वो ट्रेड वॉर खत्म हो जाए उसको लेकर ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कई बार हो चुकी है, 30th मीटिंग है, 30वीं मीटिंग है ये इस साल की। तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, आपको इसे पढ़ेंगे डिटेल में वन बाय वन, सब कुछ बड़े आसानी से समझ आएगा। मैंने पूरा बता दिया, यही पूरी बात है जो कि मैंने यहां पर थोड़ा गुचर-गुचर करके दिखा दिया, आपको समझ आ गया होगा। एंड यही चीज आपको समझनी है तो खुद पढ़ना है इसको मेरे साथ, अभी लिख दें फटाफट, यस सर वी विल रीड, हम इसे पढ़ेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, राइट। 21 मेंबर है, यू ऑल आर वेरी वेरी क्या, राइट, यू ऑल आर राइट हियर, ठीक है, समझ आ गया सभी को, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बड़े वाले आर्टिकल्स में आ जाते हैं। बड़े वाले आर्टिकल में देखो, पहला आर्टिकल आया, दैट इज मेक इट द इंडियन वे। ये देखो बहुत अच्छी बात, अच्छा है, एक अच्छा आर्टिकल है, इसको सबको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट ये इतना सिंपल और आसान भाषा में कि आपको आराम से समझ आ जाएगा।
यहाँ बोला गया है इंडस्ट्रियलाइज 3D प्रिंटिंग के बारे में। जो इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग क्या होती है, अगर हम 3D प्रिंटिंग की बात करें तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हमने टॉय बनाना है, कोई भी खिलौना बनाना है, तो खिलौना में क्या करते हैं हम कि हमने वैसा ही मैप बनाया, मशीन में फिट किया, साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया और उसी मैप को फीड कर दिया, यानी जैसा भी हमें खिलौना बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें खिलौना बनाना है कि एक ऐसे करके एक चेहरा होगा, फिर ये हाथ होगा, ये ऐसे करके एक पैर होगा, एक ऐसे पैर होगा और एक ये ऐसे हाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा खिलौना बनाना है, इसकी मोटाई इतनी होगी, ये यहाँ से ऐसा होगा, सब पूरा बना दिया और जैसे आप इसे फीड कर देंगे तो जब ये प्रिंट होकर निकल के आएगा, प्रिंट क्या बनकर निकल के आएगा, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का आपने बनाया तो बन के आपके सामने पूरा का पूरा खिलौना ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ये होती है 3D प्रिंटिंग। लेकिन अभी ये बहुत छोटे लेवल पर होती है, छोटी छोटी चीज़ें ही इससे बन पाती हैं। अभी चाइना में क्या है, एक बिल्डिंग बना दी गई है 3D प्रिंटिंग से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक जैसे आप घर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल घर बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, उसमें सीमेंट चाहिए, गारा वगैरह सब लगाएंगे तब पूरा घर बनेगा, उसके बाद पूरा घर बनता है, यानी कि बहुत बड़ा लेबर फोर्स चाहिए होता है। चाइना में क्या किया, इसी 3D इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग को यूज़ करके एक टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसमें क्या हुआ कि सारा जो मटीरियल है, मटीरियल डाल दिया मशीन में और मशीन में अंदर ही फिट कर दिया हमें घर कैसा चाहिए। घर कैसा चाहिए, जिसमें एक ऐसा घर हो जिसमें दीवारें ऐसी हो, उसके अंदर एक कमरा हो जिसमें एक ऐसा ड्राइंग रूम हो हमारा, एक डाइनिंग रूम हो, एक ऐसा हो, एक ऐसा हो, सब कुछ अंदर ही बना दिया और बना दिया, एकदम से मशीन आई, मशीन वहाँ खड़ी हो गई, सब कुछ अंदर अंदर बन गया मटेरियल से और पूरा का पूरा घर तैयार। गेटिंग माय पॉइंट, यानी अंदर ही अंदर घर तैयार हो गया, उठा के ला के रख दिया। दिस इज द टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, इसको इंडिया को भी अपनाने की जरूरत है। साथ में बोला जा रहा है इंडिया इसमें अपनाए ना, तो अपने तरीके से अपनाए, इसे देखिए फायदा बहुत होगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर एक दो बनाएंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम बल्क में बनाएंगे तो इंडिया को फायदा होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट करके बताया गया सोलर पैनल से भी कि सोलर पैनल जिस तरीके से शुरुआत में बहुत महंगे हुआ करते थे, आप अगर LED बल्ब्स की बात करें वो भी काफ़ी महंगी हुआ करती, लेकिन धीरे धीरे वो सस्ती होने लग गई। कैसे सस्ती होने लग गई, क्योंकि उनका बल्क में ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा और हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज्यादा कमी है एक तरीके से, क्योंकि हमारा एक सेक्टर देखें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ठीक है फिर भी, है ना। उसके बाद जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये भी सेक्टर ठीक है, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है हमारा, टर्शरी सेक्टर जहां पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी हद तक पीछे है। अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई और बहुत सारी चीजें ऐसी बनने लग गई तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में होगा तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोगों को आराम से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में क्या है, उन्हीं लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये एक दिक्कत यहां पर आती है। समझ आ गया तो बोलो यस, समझ आ गया, ये वाला आपको पढ़ना है, है ना। तो अब बताना सब भैया, फिर आगे आने वाले टाइम में अपने अपने घर ऐसे बनवाना, 3D प्रिंटिंग में प्रिंट करवा के ये वाला घर चाहिए, काम खत्म। समझ आ गया ना, तो ये आर्टिकल है, खुद पढ़ना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा बता दी। मैं आपको दूसरा वाला एक और आर्टिकल पढ़ाऊंगा, कम टू द नेक्स्ट वन। जो बड़े वाले आर्टिकल में दूसरा आया है, दैट इज एमिड, देखो मैं बताता हूँ, एमिड इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन के बीच में क्या चल रहा है, क्या डिक्लाइन हो रही है, मैं आपको बता दूं। हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद फिर वो हमारी RBI हो, फिर वो हमारी यहाँ पर CBI हो, फिर वो हमारी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हो, फिर वो हमारी यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी हो, इस तरीके की कोई भी इंस्टीट्यूशन है, सभी में अगर हमें ये देखने को मिल जाता है यार इसमें कुछ घपला हुआ, अरे इसमें भी कुछ घपला हो रहा है, अरे यहाँ पर भी घपला हो रहा है, यहाँ पर किसी एम्प्लॉय ने घपला कर दिया, यहाँ किसी एम्प्लॉय ने घपला कर दिया, जब ऐसे मालूम पड़ता है कि घपले हो रहे हैं तो लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं हट जाता है। ऐसे में करना क्या चाहिए, ये यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा है, अच्छा इन द सेंस यार इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए, तो वी विल डिस्कस इट, हम इसे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। आज वेंसडे है एंड एवरी वेंसडे इंटरव्यू आता है, कभी तो इस तरीके का इंटरव्यू आता है जिसमें एक सपोर्ट करते हैं, एक अपोज करते हैं और एक दोनों के बीच में मतलब कन्फ्यूज रहते हैं, इस तरीके की ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कई बार इंटरव्यू आता है कि अकेला एक ही पर्सन है जो कि पूरी की पूरी बात को बता रहा है, और आज इंटरव्यू ऐसे ही है कि अकेला एक ही पर्सन जो पूरी की पूरी को बता रहे हैं। ये इंटरव्यू अजय माथुर जी का लिया गया है, देखो इन्होंने बताया है पोल्यूशन को लेकर, राइट, पोल्यूशन इज नाउ अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, पोल्यूशन जो है अब ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है, दैट हैज बीन इट्स बिग सक्सेस, जो कि इसकी एक बड़ी सक्सेस हो सकती है। ये क्यों और कहां बताया जो मैं आपको बता दूं, देखो एक यहां पर सोर्जरस को दिखाएं, देखिए नाम मैं आपको बता दूं, पूरी पोलैंड आ गया, ये रही COP होगा आपका,
है ना, सीओपी होगा पोलैंड में ये आपका होने वाला, हाँ देखिए दिख जाए यहाँ से, हाँ सीओपी पोलैंड में होने वाला है, कटोवाइस वहाँ का शहर है, वहाँ पर ये अभी फिर से मीटिंग होगी। अब इस मीटिंग में क्या होगा, जिस तरीके से पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट राइट है ना, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था फॉर क्लाइमेट चेंज, तब बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, वही अब यहाँ पर ये बता रहे कि चाहे कुछ भी कर लो, पूरा इनका है पढ़ लीजिएगा, रीडिंग में आपको हेल्प करेगा। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चीज़ें एज इट इज़ नहीं रहती। फॉर एग्जांपल जब पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट की डील हो रही थी उस वक्त ये भी बोला गया था कि 2022 तक यानी कि 2022 तक हर डेवलप्ड कंट्री 100 करोड़ रुपीज़ देगी, कहाँ देगी, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, ताकि वो अपने यहाँ जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, कार्बन का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, उसको रोक पाए उन पैसे को यूज़ करके। लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई भी पैसा वहाँ नहीं दिया है। तो जब पैसों की बात आती है तब कोई कंट्री पैसा नहीं देती है, स्पेशली अब यूएस की बात है, यूएस तो पहले ही अंदर बाहर हो गया कि भैया नहीं हम नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे, तुम्हें करना है जो कर लो, बात समझ आ रही है ना। तब इस तरीके से होगा तो फिर ये गड़बड़ वाली बात है, बेकार चीज़ हो जाएगी। तो ये पूरा यहाँ पर दिया है कि यार उससे कोई खास फायदा होना नहीं है। अब यही कह रहे हैं मीटिंग होगी तो मीटिंग में क्या हो जाएगा, उसमें भी कोई खास नहीं होगा, मीटिंग होगी सब अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उतना काम नहीं हो पाएगा। जो सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगा सभी को, समझ आ गया, तो ये है आपको जो पढ़ना है, ठीक है, समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है, आराम से पढ़ोगे क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है, जब कभी भी इंटरव्यू होता है वो सिंपल लैंग्वेज में ही दिया जाता है। अब आ जाओ देखो यहाँ पर, अब आगे हम फिर से पहुंचते हैं सिंगल फाइल में, यूएस पहुंच गए अब हम लोग, द मेन एग्जांपल यूएस, कुछ नहीं तो कहते कहते तो पहुंच ही सकते हैं, यूएस पहुंच गए यहाँ पर। जो यूएस में अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं राइट, मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें ये बताया गया है मिड टर्म इलेक्शन में कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। हालांकि इसमें बेसिकली जो मोटी बातें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं, लेकिन ये जो टर्म है ना आपके सामने प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता ना हो ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। ये वहाँ पर होता है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, जो कि इंडिया में भी होता है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना तो उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है। अब देखो ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ये जैसे इमेज छोटी है इसमें हालांकि दिखेगा नहीं, अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो ये मिल जाएगा, ये हेडिंग डालना ये वाली, आपको इमेज मिल जाएगी, आप इसे इमेज से आराम से पढ़ लेना। देखो मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि 5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब 5 लोगों को अगर हमें वोट देना है तो होता क्या है जनरली कि हमें वोट देना है तो जिसको हमें वोट देना हमने उसको वोट दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने दे देना है कि नहीं इसको वोट देना, 5वें नंबर को हमने इसको वोट दे दिया और इसको ज़्यादा वोट मिल गए तो ये जीत गया। लेकिन किसको कितने वोट मिले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि हमने कहा कि हमारे हिसाब से 5वां जीतना चाहिए, तो 5वें को हमने दे दिया ए ग्रेड, ठीक है। हमने कहा जो 3rd नंबर वाला है ये इसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलनी चाहिए, तो हमने इसको दे दिया बी ग्रेड। फिर हमने कहा जो 1st नंबर पे खड़ा हुआ है जो भी इसका नाम है ये 3rd नंबर पे मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसको दे दिया हमने सी ग्रेड, इसको दे दिया हमने डी ग्रेड, इसको दे दिया हमने ई ग्रेड, बात समझ आ गई। ऐसे हमने ग्रेड दे दिया, इसका मतलब हमारे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, 3rd प्रायोरिटी ये है, ये 4th प्रायोरिटी है, ये 5th प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है ना, दैट इज कॉल्ड दी प्रेफरेंस, यही प्रेफरेंस है। इस हिसाब से जिस आदमी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो जीत जाएगा। एंड इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि नहीं वो नहीं बन पा रहा या जो भी कंडीशन बनती है तो फिर देखा जाएगा कि सेकेंड प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिल गई। इससे क्या सब पता रहता है कि लोग किसको ज्यादा चाह रहे हैं किसको नहीं चाह रहे, ये समझ आ गया सभी को। तो मुझे बता दो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी चीज है एंड आई होप यू ऑल गॉट इट, अच्छे से आप सबको समझ। हाँ ये रैंक वाली बात होती है, रैंक हम लोग यहां पर देते हैं, ठीक है। चलो अब आ गए हम यहां पर, ये आपका डेटा पॉइंट दिया, देखो इसके बाद आ गए हम यहां पर डेटा पॉइंट पे, और जो ये डेटा पॉइंट दिया हुआ है, ये डेटा पॉइंट दिया है जो हमारे यहां पर कोर्ट्स हैं राइट, कोर्ट में अभी भी जजेस की बहुत सारी पोस्ट वैकेंट हैं, यानी कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, जजेस की पोस्ट वैकेंट हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं। बहुत से केसेस तो हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको 20-20 साल हो चुके हैं और उसमें से जिसके खिलाफ केस चल रहा था उसकी डेथ भी हो गई है। तो अब क्या होगा, डेथ होने के बावजूद क्या किसको सजा देंगे, सिर्फ कहने वाली बात है कि हाँ हमको इंसाफ मिल गया, ये हो गया वो हो गया, बट जिसको सजा देने वाली बात थी वो तो अब है भी नहीं, किसको सजा दोगे, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो यहां पर एक डेटा दिया हुआ है यार कि ये भरने चाहिए, जल्दी जल्दी भरें, ये पूरा डेटा जरा एक बार देख लीजिएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। जस्ट इसके देखो यहां पर आ गए, देखो देखो दिखा दीजिए फिर से, अब हम आ गए यहां पर, हाँ देखिए यहां पर आ गए। अब ये स्टैच्यू है आपको देखने को मिल रहा होगा, 182 मीटर का स्टैच्यू, ठीक है,
ये मोदी जी खड़े हुए हैं, है ना। और 182 मीटर जो हाइट है वो किसकी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है, राइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 190 मीटर का कुछ और बनना है, ये अपोजिशन है। यहाँ ये क्या बना रहे हैं, किसको लेकर बात हो रही है, अगर आप न्यूज़ देखते रहते होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ज़रा इसको आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है वो चेक कर लूँगा, इससे मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है सबको तो मुझे बोलो, यस सर क्लियर हो गया। हाँ परिणीता, बिल्कुल मैं आपके आंसर पोस्ट कर दूंगा, मैं कई बच्चों के आंसर जिनके अभी आंसर पोस्ट नहीं किया मैंने पोस्ट कर दूंगा, मैं सबके आंसर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग मुझे रेगुलर बेसिस पर आंसर भेजते रहो। तो ये तो थे आज के सारे आर्टिकल, अब हम इसमें तो वोकैब निकाल रहे हैं, दोनों आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई वाला भी और जो दूसरा इंस्टीट्यूशन वाला है वो भी जो डिक्लाइन हो रही है, राइट, वो दोनों आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ वाई उन दोनों को हम फटाफट अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जब वीडियो फिनिश होगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद क्या वो कैब का सारा कलेक्शन एक साथ अपने पास रखना। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर अगली वो कैब रिवर्स पर, वन बाय वन, पहला वर्ड है दैट इज दी प्रेसिपिटेट विच इज़ यूज एज अ वर्ब, याद रखना है हर एक वर्ड को प्रेसिपिटेट जो वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है कॉज एन इवेंट टू हैपन सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेडली हो रही है दैट मीन्स वो क्या है, प्रेसिपिटेट है वो वर्ब आपका, इस तरीके से यूज होता है। अगला है आपके सामने स्टेव ऑफ जो कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कोई भी बुरा काम या बुरी चीज़ होने से रोक देना इज कॉल्ड स्टेव ऑफ, ये आपकी फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपका कॉन्सीड, ये आपकी वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप पहले मना कर रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद आपने कहा हाँ ठीक है ऐसा है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्सीड, ये वर्ब की तरह यूज होता है। लिखा हमने एडमिट और अग्री, उससे आप एडमिट और अग्री हो जाना दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई चीज़ ट्रू है आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेसिस्टिंग इट, जिसको पहले आप डिनाई और रेसिस्ट कर रहे थे उससे आप एक्सेप्ट करने लगे, अब उससे आप अग्री हो गए, स्वीकार करना, ये हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अगला वर्ड है यहाँ पर फ्रेका, फ्रेका आपका नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है नॉइजी डिस्टर्बेंस या फिर क्वारल, इसका मतलब यही नहीं कि नॉइजी का मतलब एक्चुअल में जो शोर आ रहा है आपके कानों तक, जिस तरीके से आरबीआई यानी कि सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, सेंट्रल और सेंट्रल बैंक के बीच में जो अभी जो टसल चल रहा था उस क्वारल को भी हम फ्रेका बोलते हैं, ये आपका नाउन की तरह यूज होता है, अफ्रीकाज नहीं होता अफ्रीका, ये सही इसकी प्रोनाउंसिएशन। सो डिड आपका नेक्स्ट है दैट इज दी एडजेक्टिव जिसका मतलब है इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, आपके जो मोटिव्स और एक्शंस है उसमें कैसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इमोरल चीज़ें इन्वॉल्व हैं यानी कि डिसऑनर इन्वॉल्व है, तो ऐसी कोई चीज़ें खराब कोई चीज़ें नीच हमने लिख दिया यहाँ पर, एक घिनौना हम लिख सकते हैं, वो आपका सो डिड होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है यहाँ पर श्वेत जो नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है ए ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग इज सिंपल दैट इज श्वेत, सिंपल है पता होगा। अगला वर्ड यहाँ पर आया है दैट इज दी इम्बोग्लियो, इम्बोग्लियो आपका नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी विच इज इन योर माइंड विच यू आर फेसिंग वाइल डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड इम्बोग्लियो, नाउन की तरह ये यूज होता है। तो एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड और एम्बेरेजिंग सिचुएशन, तो हमने उलझन इसे हिंदी में लिख दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए अगला वर्ड यहाँ पर आया स्पेट, ये नाउन की तरह यूज होता है, स्पेट का मतलब है ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन अ क्विक सेशंस या क्विक सक्सेशन, माफ कीजिएगा, इसका मतलब ये होगी किसी भी तरीके की आपकी सीरीज, जब एक किसी सीरीज की बात करते हैं तो उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, वो आपका स्पेट होता है, नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं। अगला वर्ड है इंसुलेट, इंसुलेट वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है आपको अलग कर देना, डिस एंगेज कर देना, डिटैच कर देना, किसी भी चीज़ से अलग कर देना, पृथक कर देना, इज कॉल्ड इंसुलेट, ये हमने वर्ब की तरह यूज करता है, यूज करते हैं, यूज किया है। अगला वर्ड है अकेन जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जिसकी जो एक तरीके से क्वालिटी है वो मैच करती हो, दैट इज कॉल्ड दी अकेन जो एडजेक्टिव की तरह आपका यूज होता है। अगला वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज दी सबवर्ड, ये वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है अंडरमाइन दी पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, कोई एक पहले से सिस्टम और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश है उसकी पावर को कम करने की कोशिश करना इज कॉल्ड सबवर्ड, यही बेसिकली अभी आरबीआई में चल रहा था, आरबीआई को लग रहा था कि उसकी जो पावर है उसको सबवर्ड किया जा रहा है।
तो इसके टर्म में इस वर्ड को यूज किया है। अगला वर्ड है यहाँ पर दैट इज द इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है सजेस्टेड, डू नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। सजेस्टेड है कोई चीज़ यानी सजेस्ट तो की गई लेकिन डायरेक्टली उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया। जो क्वालिटी है कि सजेस्ट तो हुआ बट डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एडजेक्टिव की तरह ये हमारा यूज हुआ है। अगला वर्ड है एसयू। एसयू वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग एनीथिंग विच यू आर नॉट यूजिंग डेलिबरेटली। जानबूझकर किसी चीज़ को आप नहीं यूज कर रहे हैं, आपका वो छोड़ दिया, आपने एब्सटेन कर दिया, त्याग करना, इज कॉल्ड एसयू। ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है, इसे याद रखेगा। अगला वर्ड है यहाँ पर प्लानरी। प्लानरी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है अनक्वालिफाइड या फिर आप एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, कंप्लीट या फिर अनकंडीशनल। तो तीनों इसके मतलब इस तरीके से याद रखिएगा। प्लानरी एक्शन आपने ये टर्म कंप्लीट जरूर सुना होगा। अगला वर्ड है यहाँ पर टोट या टोटिंग, आपने सुनी होगी टोट या टोटिंग। टोटिंग क्या होती है? दलाली एक तरीके से, यानी कि अटेम्प्ट टू सेल बाय अ डायरेक्ट परसिस्टेंट अप्रोच इज कॉल्ड टोट। ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर हम मूव करेंगे अपनी अगली स्लाइड पर। फटाफट इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अगला वर्ड यहाँ पर है दैट इज दी रेशिट। रेशिट आपका वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है कॉज समथिंग टू राइज और फॉल। किसी भी चीज़ का ये कारण बन जाना कि कोई चीज़ बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। एज अ स्टेप इन वॉट इज परसीव्ड एज एन इररिवर्सेबल प्रोसेस। ऐसी चीज़ जो कि अभी ऐसी लग रही हो कि इररिवर्सेबल प्रोसेस है, दोबारा से वो उस सिचुएशन नहीं पहुंच सकता। राइज हो गया, फॉल नहीं हो सकता, फॉल हो गया तो राइज नहीं हो सकता, उसका रीजन बन जाना इज कॉल्ड रेशिडी। वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज द वोर्टेक्स। ये नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है डेंजरस और बैड सिचुएशन इन विच यू बिकम मोर एंड मोर इन्वॉल्व एंड फ्रॉम विच यू कैन नॉट एस्केप। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, ये आपका हो जाता है वोर्टेक्स। ये सिचुएशन हो जाती है जैसे कि दलदल में अगर आप खड़े हो तो फंसते चले जाओगे। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, दैट इज द वोर्टेक्स। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी यहाँ पर ये कहलाती है। क्लियर हो गया सभी को? तो बोलो यस सर, गॉट इट, हमें समझ आ गया है। करना क्या है, हर एक वर्ड का वोकैबुलरी वर्ड आप यूज करेंगे, यूज करने का तरीका आप कॉमेंट बॉक्स पर इसके यूजेज लिखेंगे। कॉमेंट बॉक्स पर करना क्या है आपको, मैं आप सबको बता दूँ। हर एक वर्ड का आपको जो भी यूज लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाकर वहां पर लिखिए। जब आप लिखते हैं तो दूसरे को एनकरेजमेंट मिलता है, आपको देखकर दूसरा भी बच्चा लिखेगा, तीसरा भी बच्चा लिखेगा, फिर सब बच्चे लिखेंगे एक दूसरे को देखकर। इससे आपको इंप्रूवमेंट ये मिलेगा कि उसका यूज आपने क्या लिखा, दूसरे उसका क्या यूज लिख रहे हैं। यू विल हैव एन आइडिया, आपको सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। जो आप कहते हो ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, हमें समझ नहीं आ पाता, या फिर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो सारी ये दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी। नाउ टेल मी वन थिंग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको जो आज पहली बार ये एडिटोरियल शो देख रहे हैं? एवरीवन, आप लोगों के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। शाम को इवनिंग में 4 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, तो सभी लोग शाम को 4 बजे ज़रूर आएँ। और अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना तो सुबह एडिटोरियल आप देखते हैं 9 बजे, शाम को देखो 4 बजे इंग्लिश की क्लास, पूरा कंबाइन एक पैकेज आपको मिलेगा। पैकेज क्या है, समझ आ गया तो समझ आ जाएगा। कितने लोग यहाँ पर नए हैं वो मुझे बता दें, और नए हैं तो लाइक बटन पर प्रेस कर दें। इसका क्या लेना देना, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है मुझे मालूम है। अब आ जाते हैं, चलो उस पर एक एक चीज़। यहाँ पर मैंने एक ही दो लाइन काटी, बाकी सब पूरा का पूरा मैंने आर्टिकल लिख दिया, ताकि अच्छे से समझ आए यहाँ पर पूरा, ठीक है। देखो, गिव एंड टेक, अभी मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, दोनों के बीच सब कुछ बताया जाएगा। द सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द RBI डिड वेल एट द बोर्ड मीटिंग टू एड्रेस ईच अदर्स कंसर्न्स। दोनों के जो भी कंसर्न्स थे दोनों को अच्छे से एड्रेस किया है, दोनों के कंसर्न्स पर ध्यान दिया गया, ये अच्छा हुआ। देखिए कॉन्टेक्स्ट, आफ्टर द हीट एंड डस्ट ऑफ द लास्ट 1 month, एक महीने से हीट एंड डस्ट चल रही है दोनों के ऊपर, द बोर्ड मीटिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे टर्नड आउट टू बी म्यूटेड एंड प्रोफेशनल। वो अब आकर म्यूट हो गई है, हीट एंड डस्ट जो अभी टसल चल रही थी वो म्यूट हो गई, अब ये प्रोफेशनल हो गए, एज इट शुड हैव बीन, जैसा कि इसे होना चाहिए था। हर एक चीज़ का इंग्लिश में ही मतलब समझ आता जाएगा और वैसे भी समझ आता जाएगा। द डिसीजंस टेकन बाय द बोर्ड, जो डिसीजंस लिए गए बोर्ड के द्वारा, एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ बोर्ड the center and the central bank, दोनों के ही उन्होंने concerns को address किया है। Though on balance it appears that RBI carried the day, और balance में अगर देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि RBI carried the day, carry the day का मतलब जीत जाना, RBI की एक तरीके से जीत गया, RBI ने जो चाहता था वो उसको भी मिल गया है। Two of the biggest concerns of the center where it was expecting an immediate resolution, दो ऐसे concerns थे जिस पर center ये चाह रही थी कि एकदम से resolution मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। पहला क्या
किया था, रिलैक्सेशन ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उन पर आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा रखा था। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है मैं आपको बता दूं, वो ये होता है कि अगर कोई बैंक है जिसने लोन दिया और उसका लोन वापस नहीं हो पा रहा तो उस पर आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क रेगुलेशन को लगा देती है जिसके तहत अब वो आगे कोई फ्रेश लोन नहीं दे पाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ देना बैंक का। देना बैंक कौन सी और दो बैंक थी जो मिलकर एक दो देना बैंक और किस किसके साथ मर्जर हुआ है, इसका अनाउंसमेंट किसके साथ हुआ, दोनों बैंक के नाम भी मेरे को यहाँ पर अभी बताओ। देना बैंक के साथ ऐसा हुआ था, ऐसी 11 बैंक हैं जिनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाया है तो उसको हटाने की बात की थी, हटाओ भैया क्योंकि गवर्नमेंट का यह मानना था कि अगर आप उसे लगाए रखोगे हम लोन नहीं देंगे तो इस तरीके से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो पहला ये इशू समझ आ गया ना क्या है। दूसरा, एंड प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विल बी एड्रेस्ड एट फ्यूचर डेट, इन दोनों को फ्यूचर डेट में एड्रेस किया जाएगा। दूसरा क्या हो गया, यानी कि जो पैसा है लिक्विडिटी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में वो चलता जाना चाहिए, वो अभी जब रोक दिया था आरबीआई ने, दोनों ये चीजें जो सेंटर चाहती थी होनी चाहिए लेकिन अभी वो नहीं हुई, आगे होंगी दो चीज आगे। द फर्स्ट वन हैज बीन रेफर टू अ डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई, जो पहला है यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई को रेफर कर दिया गया फॉर एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन करिए उन बैंक्स का। देन उसके बाद विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, गॉट इट, सबको मालूम पड़ गया देना विजया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो, व्हाइल नो डिसीजन सीम टू हैव बीन टेकन ऑन द सेकंड, लेकिन सेकंड पे अभी भी कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। इन एडिशन द सेंटर्स अटेम्प्ट, और दूसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था, जो आरबीआई के पास रिजर्व रहता है, जो पैसा एक्स्ट्रा बचा होता है जो कंटिंजेंट फंड के लिए आता है, यानी कि अभी राहत जो विकास केंद्रों में यूज होता है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि उससे हमें पैसा दो, उस पर देखो क्या बात हुई है। इन एडिशन द सेंटर्स अटेम्प्ट टू टैप द आरबीआईज रिच रिजर्व्स हैज आल्सो बीन स्टेव ऑफ, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है फॉर नाउ, अभी के लिए, विद दैट मैटर लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय द कमिटी, कि उस मैटर को भी कमिटी डिसाइड करेगी, यानी ये अभी तो सब कुछ अभी आरबीआई के पक्ष में ही हुआ तो आरबीआई यहां पर अभी खुश है। कमिटी सेटअप एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस एंड दिस इज एज इट शुड बी, ऐसा है जैसा कि होना चाहिए, कमिटी सेटअप होगी वो डिसाइड करेगी कितना पैसा जाना चाहिए कितना पैसा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। द सेंट्रल बैंक पार्शियली यीडेड टू द सेंटर, और थोड़ा सा सेंट्रल बैंक ने भी सेंटर की तरफ फेवर किया है। वो फेवर किया कि अब एक तरफ का फेवर हमने देखा, गवर्नमेंट का फेवर देखते हैं, गवर्नमेंट को कैसे फेवर मिला आरबीआई की तरफ से। ऑन टू अदर इश्यूज, पहला द बेसल कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स एंड ईजिंग क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पहला है जो बेसल कैपिटल फ्रेमवर्क है, बेसल एक जगह का नाम है, उसकी वजह से हुआ है स्विट्जरलैंड में। तो बेसल कैपिटल फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ पैसा होता है बचा के रखना होता है जिसको आप आगे यूज करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये एमएसएमईज के लिए जो पैसे देने वाली बात है वो उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। वो ऐसा है कि कुछ लोग जो पहले थे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन नहीं ले सकते थे, वो अब बढ़ा दिए गए हैं कि हाँ वो अब ज्यादा लोन ले सकते हैं, और वो एंटरप्राइजेज जो 25 करोड़ तक का जिन्होंने लोन लिया है और अब वो अभी नहीं चुका पा रहे तो उन्हें एनपीए ना घोषित किया जाए, उनको रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है अगले 180 डेज का, 180 डेज का रिलैक्सेशन मिल गया, उसके बाद उसके अंदर ही अंदर आप पैसा चुका दो। ये दोनों चीजें में सेंटर को एक तरह से रिलैक्सेशन मिल गया जो कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में लोग ऐसे हैं नहीं दे पा रहे, अगर वो पैसा उन्हें थोड़ा सा वक्त दो उसके बाद वो पैसा दे पाएंगे, क्योंकि जरा सोचो जो हम छोटा छोटा पैसा देते हैं वो उनसे ही निचोड़ के लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग बड़ा पैसा ले के चले जाते हैं उनका हम लोग नहीं कुछ कर पाते, ये दूसरी चीज है। सुनो जरा, The RBI did not concede the demand of alignment of the capital norms to Basel. They are higher now. जो कि अभी ज़्यादा है, अभी पहले उन्होंने क्या इस पर concede नहीं किया था, नहीं माने थे, but by pushing back the deadline, लेकिन deadline को जब push back किया by a year, एक साल तक, for increasing the capital buffer, जिससे कि जो अभी आपके पास पैसा है वो आपका धीरे धीरे एक साल में बढ़ जाएगा, it has freed up funds for banks to lend. फिर उसने क्या किया कि हाँ ठीक है RBI मान गई कि हाँ बैंक क्या है, अब वो पैसा दे देंगी फंड देने के लिए, क्योंकि एक साल का टाइम रखा गया, एक साल में कोशिश की जाएगी हम लोग अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बैंक से इकट्ठा कर ले और उसके हिसाब से वो लैंड दे सकती है। अब ये दूसरी पहली चीज, अगेन बाय परमिटिंग डेट रीकास्ट फॉर एमएसई बोरोज अप टू 25 करोड़ रुपए, जो कि मैंने बताया ये दे सकते हैं। द आरबीआई हैज अटेम्प्टेड टू एड्रेस देयर क्रेडिट कंसर्न्स, आरबीआई ने उनके क्रेडिट कंसर्न्स को एड्रेस किया, विच वॉज वन ऑफ द मेजर डिमांड्स ऑफ द सेंटर, जो कि गवर्नमेंट का मेजर डिमांड था उसको एड्रेस कर लिया कि उसको एनपीए घोषित ना किया जाए, उसको टाइम दिया जाए, टाइम मिल जाएगा तो वो उसको भी अपने लोन को भी रिकास्ट कर सकते हैं, यानी कि वो दे सकते हैं दोबारा लौटा सकते हैं।
क्लियरली देर वॉज इनफ, क्लियरली एक चीज इनफ है, गिव एंड टेक इज द मीटिंग, मीटिंग में गिव एंड टेक हुआ क्योंकि दोनों तरफ से ही चीजें हुई हैं, दैट लेफ्ट बोथ साइड्स विद द फीलिंग दैट दे हैव गेन्ड समथिंग, दैट द मीटिंग वेंट ऑन फॉर ओवर 9 hours की मीटिंग रही, क्लियरली इंडिकेट्स दैट देर वॉज एन इंटेंस एक्सचेंज ऑफ व्यूज विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, जो कि अच्छी चीज है, एंड डिफरेंसेज बिटवीन द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक मस्ट बी थ्रैश्ड आउट, वो खत्म हो गए हैं इन सच अ सेटिंग रेदर दैन इन द मीडिया और इन पब्लिक स्पीचेस, मीडिया और पब्लिक स्पीचेस ना होकर अपने अपने में हो गए जैसा कि ये उम्मीद भी की जा रही थी होने चाहिए थे, एंड आई होप यू ऑल गॉट इट। तो हमने यहाँ पूरा पढ़ लिया है इसको और ये पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, एंड आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि लास्ट में हम इसको कुछ कॉन्क्लूजन या फाइनल वर्ड्स देंगे, फाइनल वर्ड जैसा था कुछ नहीं, इसीलिए मैंने आपको समझाया, बट ओवरऑल ये पूरा था। नाउ टेल मी एवरीवन, क्या सभी को समझ आ चुका है? तो मुझे एक बार अच्छे से समझाते हैं, एनपीए का एग्जाम्पल देते सर। लिसन, एनपीए का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको बताते रहा हूँ। जैसे कि क्या है कि मैं एक फर्म हूँ और मैंने क्या पैसा लिया बैंक से, बैंक के बाद पैसा लेकर मैंने लगाया, लोन लेकर और अपना कोई भी बिजनेस शुरू किया, और वो बिजनेस चल रहा है, लेकिन उस बिजनेस में मुझे घाटा हो गया, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद पैसा ना देने के पास मेरी एक लिमिट होती है कि इतने टाइम तक मुझे पैसा देना, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उस रिलैक्सेशन मान लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 180 डेज का जो रिलैक्सेशन अभी यहाँ पर दिया, वो रिलैक्सेशन मुझे मिला कि अगले 180 डेज में आपको दे देना है, वो फाइनल 180 डेज है, उसको भी मैंने पैसा नहीं दे पाया वट एवर रीजन, तो मैं तब भी पैसा नहीं दे पाया, तो फिर वो जो असेट है, वो जो पैसा है, वो बैंक के लिए एनपीए हो जाऊंगा, यानी मैं वो एनपीए हो गया कि मैं नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया मेरा, यानी बैंक का वो पैसा जो कि अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो पैसा मेरे पास था मैं नहीं दे पाया, तो बैंक के लिए वो पैसा जो मैंने लिया था वो एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये सिंपल लैंग्वेज मैंने कोशिश की समझाने की, समझ आ गया होगा, है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड, समझ आ गया है ना, समझ आएगा, क्यों नहीं समझ आएगा, समझ आ गया है तो लाइक बटन में जरूर प्रेस करें, आप लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है। आगे बढ़ चलते हैं जल्दी, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, पहला क्वेश्चन है हु लॉन्च द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज नेम दैट पर्सनैलिटी, एंड जल्दी राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु या फिर नरेंद्र मोदी, एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर, विच कंट्री हैज वोव टू नेवर अलाउ एनी फॉरेन मिलिट्री बेस ऑन इट्स लैंड, अब अपनी लैंड पर वो कभी भी किसी की अलग किसी देश की फॉरेन मिलिट्री बेस को अलाउ नहीं करेंगे, वो किस कंट्री ने ऐसा वोव किया है, यानी कि एक तरीके से शपथ ले ली है, ना वियतनाम, कंबोडिया, मालदीव्स या फिर कैमरून, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द ऑल इंडिया हेड्स ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, सो नेम दैट सिटी, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली, एंड दैट इज द कैपिटल न्यू दिल्ली। अगला बढ़ते हैं हु लॉन्च्ड एयर सेवा 2.0 टू मेक एयर ट्रेवल हेजल फ्री, सो हु लॉन्च, नेम दैट पर्सन, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द 1857 रेबेलियन वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 19। अच्छा इससे यार एक आंसर बताओ, नवंबर 19 फिर से याद आ जाएगा, नवंबर 19 कौन सा दिन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, आज डेट क्या है, दैट इज 21st of November, आज कौन सा डे है ये भी आप बताएंगे, आज का जो डे है वो भी WTD है, वो पहले वाला वर्ल्ड टॉयलेट डे भी WTD था 19th of November, और इसका आंसर मैं बता दूं, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई, और आज कौन सा दिन है ये मुझे बताओ, गूगल नहीं करना है किसी को, कोई गूगल करके मत बता देना, गूगल करके मुझे बता दे, गूगल नहीं करना, मुझे बताओ आज भी कौन सा दिन है एवरीवन, ठीक है डे बता देंगे बढ़िया रहेगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं, आपने अगर अभी तक @247 का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, @247 लाइव, क्यों से लाइक करने से फायदा ये कि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे, लेटेस्ट वट एवर इट इज, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से मिल जाएंगे। आपको मुझसे कनेक्ट होना है, पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो जाइए मेरे फेसबुक पेज से, दैट इज विशाल परिहार पेज, आपको यहां से मिल जाएगा, आप यहां से कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, जो भी आपको मैसेज देना कुछ भी देना, जो बच्चे देते रहते हैं दे दीजिएगा, याद रखिएगा बस मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, आप लोगों के मैसेज जरूर पढ़ लेता हूं सारे के सारे, ठीक है। आज का वर्ल्ड ट्रेड डे बता रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड डे ना, वर्ल्ड टूरिज्म डे, अरे कुछ भी जबरदस्ती मत लगाओ यार, आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है, वर्ल्ड टेलीविजन डे है, दैट इज WTD, ठीक है। चलो वर्ल्ड टेलीविजन टॉलरेंस बता दिया, टूरिज्म बता दिया, कुछ भी बता दिया, है ना, वर्ल्ड इमोशन डे नहीं है
आगे बढ़ते, देखो आप देखो अगले आर्टिकल की तरफ. वन सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, नहीं भी कर रहे तो भी इंपॉर्टेंट है, सबको बताना है इसके बारे में क्या है. मैं आपको बता दूं, जो भी इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एक इंस्टीट्यूशन ही है, राइट. सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हमने कहा यहाँ पर RBI हो गया, ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पर CBI हो गया, फिर हमने कहा यहाँ पर CVC हो गया, फिर हमने कहा यहाँ पर, चलो पुलिस की बात हो गई. पुलिस से तो यार वैसे भी बहुत बहुत दुश्मनी टाइप की लोग रहती है, यार पुलिस का नाम आते कहते यार ये काम नहीं करेंगे, वो एक, चलो बहुत एक छवि खराब सी है, वो एक अलग बात है, क्योंकि छवि कुछ ही लोगों के चक्कर में खराब होती है, बाकी पूरी पूरी फिर वो चीज़ें खराब होती हैं. वही ऐसा यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर किसी ने कोई अप्लाई किया तो एक आदमी ने किया होगा, दो ने किया होगा, RBI ने कुछ किया या CBI ने कुछ किया, तो एक दो तीन पर्सन ने कुछ किया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वो इंस्टीट्यूशन है जो कि खराब हो जाती है. ये बात सच है ना. तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उन पर कम होता जा रहा है और वो डिक्लाइन हो, जैसे आज के टाइम पर क्या है कि लोगों को अगर कोई अपनी रिपोर्ट है या कोई भी बात अगर कुछ उनके साथ हुआ है तो पुलिस के पास जाने से पहले एक बार सोच रहे थे यार जाएं कि ना जाएं, जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएंगे, कहीं उल्टा हमें ही ना फंसा दे पुलिस, ऐसा कई बार लगता है. क्यों? क्योंकि ऐसे कई बार केसेस हो चुके हैं, वो एक दो तीन चार या कुछ चंद लोगों की वजह से ऐसा हो जाता है. तो वही यहाँ पर बताया गया है. एंड लेट्स स्टार्ट. देखो जैसे बच्चे कह रहे हैं पुलिस करप्ट है, ऐसे मत कहो पुलिस करप्ट है, एक दो तीन पर्सन आ जाते हैं जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन जो होती है वो खराब हो जाती है. अब इसे वन बाय वन यहाँ एग्जांपल दिए जिसे हम पढ़ते हैं. देखो द इशू टुडे, जो आज का इशू है इज वेदर वो क्या है, इज वेदर अ डिसऑनेस्ट सिस्टम, कि जो एक डिसऑनेस्ट सिस्टम है कैन बी मैनेज ऑनेस्टली, क्या उसे ऑनेस्टली मैनेज किया जा सकता है, या फिर हमें कोई चाहिए गब्बर जैसा आदमी, समझ रहे हो ना, डिसऑनेस्ट तरीके से सबक सिखाने वाला, या तो गब्बर जैसा एक आदमी होना चाहिए, गब्बर जैसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए कि भैया हमें डिसऑनेस्ट तरीका, ऑनेस्ट तरीके से कोई मतलब नहीं, हम तो बस काम करेंगे अपना, है ना. तो ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर मैंने भी क्वेश्चन आपको दिया जिसका जवाब मैं चाहता हूं आप सभी से. जरा देखो एलिगेशन सुनते जाना, जो एलिगेशन लगते हैं आराम आराम से पढ़ूंगा एक एक वर्ड. एलिगेशन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेयर कर देते हैं लोग आके, उसका जो एलिगेशन है, इन मेजर इंस्टीट्यूशन हैव बीन दी बिग न्यूज ऑफ लेट. ऑफ लेट का मतलब होता है लेटली, यानी कि रिसेंटली, हाल ही में ये सारे बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंटरफेयर करने के. द ऑनगोइंग फ्रिका इन CBI में, जो अभी एक दूसरे के बीच में चल रही थी, दोनों के जो डायरेक्टर हुआ, जो दोनों के दोनों डायरेक्टर ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए कि इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने करप्शन किया, हैज गॉट आउट ऑफ हैंड, वो हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुका है. विद द टू टॉप ऑफिशियल्स इन द चेन, दोनों के नाम जरा मुझे बताएं यहाँ पर अगर आपको अभी भी याद है तो, ठीक है ना, दोनों का नाम यहाँ पर बताएं. इन द चेन ऑफ कमांड अक्यूजिंग ईच अदर ऑफ करप्शन, करप्शन के बारे में एक दूसरे को अक्यूज करते हुए. द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हैज हाईलाइटेड द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज को हाईलाइट किया, इफ देयर इज एन इरोजन ऑफ इट्स ऑटोनॉमी, कि अगर उनकी ऑटोनॉमी को खतरा होता है, अगर RBI को खतरा होता है, उनकी RBI की पावर अगर हटती है तो उससे बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे, इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं. ये विरल आचार्य उन्होंने बोले थे, जिसके बाद से भैया बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, आपको पता है. तो ये कहा गया यहां से, सुनते जाना, जब एक आदमी ऐसे कहता है तो लगता है यार पूरा वो खराब हो रहा है, पूरे में गड़बड़ चल रही है, पूरे में नहीं चल रही गड़बड़ यार, एक पर्सन में गड़बड़ चल रही है. द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द CBI इशू, CBI इशू में इंटरवेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई जरूरत है, जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा ना इंटरवेंशन, प्लेस इज अ क्वेश्चन. लेकिन उस इंटरवेंशन से एक क्वेश्चन उठता है, मार्क ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द CVC, कि CVC की इंडिपेंडेंस है कि नहीं, भाई ये तो CVC को खुद देखना चाहिए. लेकिन बाद में मालूम पड़ा CVC के जो लोग हैं वही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, CVC के ही लोग हैं वही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई, तो भाई इंटरवेंशन तो करना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हर जगह हो रही है यार. एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एज अ होल इन मेकिंग की अपॉइंटमेंट्स इन द CBI. दूसरा फंक्शनिंग में आ गई, गवर्नमेंट ने ढंग से फंक्शन नहीं है, क्योंकि उनको दोनों को कह दिया तुम जाओ छुट्टी पर, हम अपॉइंट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब अपॉइंट किया जाएगा CBI के डायरेक्टर को, उसके लिए क्या रूल बताया गया है कि उसमें क्या होना चाहिए कि आपके तीन लोग होने चाहिए, जैसे कि एक उसमें CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और तीसरे अपोजिंग पार्टी के कुछ लीडर होने चाहिए, तब जाकर वो किसी के भी टेन्योर को खत्म कर सकते. लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो ये वहां पर भी गड़बड़ हो गई. आगे एक केस उन्होंने बताया, विद दी विनीत नारायण केस में था ये, आज सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू इंसुलेट द CBI फ्रॉम पॉलिटिकल मैनिपुलेशन.
कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई पॉलिटिकल किसी भी इन्फ्लुएंस में ना रहे, उससे बिल्कुल अलग रहे, यानी इंसुलेट रहे बाय प्लेसिंग इट अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीसी, ताकि सीबीसी के सुपरविजन में रहे। लेकिन सीबीसी में खुद ढंग से काम नहीं हो रहे तो वो क्या सुपरविजन करेगा। बट दैट हैज नॉट वर्कड सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीबीसी इटसेल्फ हैज बीन सस्पेक्ट, क्योंकि उसकी खुद की जो इंडिपेंडेंस है वो सस्पेंशन के घेरे में आ गई। क्यों सस्पेंशन के घेरे में आ जाते हैं, या अस्थाना वर्मा या गॉट इट, तो क्यों घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि उसके दो चार पांच छह कुछ चंद एम्प्लॉय होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, उनके चक्कर में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है। ये हो रहा है। और लोगों का क्या, लोग तो बेटा यार मासूम होते हैं, आपको मालूम है ना, लोग मासूम होते हैं, बहुत मासूम होते हैं लोग, वैसे बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं लेकिन वैसे बहुत मासूम होते हैं। उनको दिखता है यार कि अरे यार ये क्या है, बेकार है यार, काम नहीं कर रहा, नहीं ये वो, तो सीधा कहते हैं यार सरकार काम नहीं कर रही, यार ये काम नहीं कर रही, यार ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक पर्सन को देखा, हमने कुछ एक को देखा, और ज़्यादा वो दिमाग लगाते भी नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए सबको सब कुछ बताने की। हालांकि लोगों का विश्वास है वो कम हो रहा है, क्यों, वो तो हो गई यार, इसीलिए अब उनको रोकने की। और देखो एग्जांपल यहां पर दी, अब देखो एक और नया आया, द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डिक्लाइन इज लॉन्ग। ये लॉन्ग है जो इंस्टीट्यूशन के डिक्लाइन होने की वाली बात है, एक दो नहीं है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया, हैशटैग द ऑनगोइंग हैशटैग मी टू कैंपेन जो मूवमेंट आया हैज एक्सपोज द सोर्डिड गोइंग्स, इसने बहुत ज्यादा घिनौने गोइंग्स हैं उसको सामने आया ऑन इन लार्ज स्वेथ्स ऑफ द मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उसमें बहुत सारे लोगों के साथ या बहुत सारी महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था वो सब कुछ सामने आया कि यार कभी इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, तो वो सारी चीजें भी तो डिक्लाइन हो रही है ना। किसका क्या प्रूफ क्या नहीं, वो एक बात की बात है, लेकिन काफी हद तक चीजें प्रूफ हो रही है। लोग उसमें क्या करते हैं कि अब तुम जो काम कर रहे हो या तो वहां से रिजाइन करवा दिया उनका, या वहां आप काम मत करो या यहां से हट जाओ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ हमारा कहीं ना कहीं उस पर धब्बे तो लगते जा रहे हैं ना, सिर्फ एक दो तीन चार लोगों की वजह से हर जगह। अर्लियर टू से पहले दिया, दी इलेक्शन कमीशन वॉज अंडर अ क्लाउड, वो भी सस्पेंशन के घेरे में थी ओवर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, एक्शन टेकन अगेंस्ट सम दिल्ली लेजिस्लेटर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, कहीं उसमें कोई घपला तो नहीं हो गया। बात समझ आ रही है ना, ये सारी चीज़ें मैं समझाता जा रहा हूँ, सुनते जाना जरा एक बार। आगे आगे द देन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस रूल्स इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अब उसमें रूल्स कुछ लेकर आए जिसकी कि यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि यार हमारी पूरी की तरीके से हमारी ऑटोनॉमी चलेगी, हम अपने हिसाब से कोर्स नहीं कर सकते, अपने हिसाब से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एन अटेम्प्ट टू इरोड दी ऑटोनॉमी ऑफ दी अकेडमिक, जो उन्हें लगा कि यार इसमें भी गड़बड़ चल रही है ना, कि उनकी खुद की ऑटोनॉमी है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। द क्राइसिस इन दी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस क्या था, ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए भी बात कर रहे हैं, ये बड़ा दैट ओवररन देयर बैलेंस शीट, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट सब गड़बड़ा गई, इंपैक्ट द वायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की वायबिलिटी पर इंपैक्ट आ गया। अब लोगों को लगता है यार क्या, अब लोग तो फ्रॉड कर लेते हैं यार, ये बैंक तो बेकार है। जैसे देना बैंक को मालूम पड़ गया, देना बैंक बहुत घाटे में चल रही है, तो किसी को कुछ नहीं पता हो तो कहेगा देना बैंक है वो तो घाटे में चल रही है, उसे पूछा गया कैसे घाटे में चल रही है तो नहीं पता होगा। हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, आदमी को पता नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन उसे पूछा जाए कि क्या हो रहा, कहीं सुना है क्या, जाए ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्या काम करते हैं ये तो पता नहीं होता, ऐसी ही चीज़ें खराब हो जाती हैं ना। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 99% जो कैश सोचा था कि इतना करेंसी हमारा चल रहा है, इतना पैसा मार्केट में है, वो पूरा का पूरा पैसा आ गया, 99% तक आ ही गया लौट के। यानी जो लोगों हमने जो सोचा जा रहा था कि ये शायद ब्लैक मनी होगा, ये नहीं आएगा वापस, ये हट जाएगा, वो सब कुछ मनी होके कहीं ना कहीं आ गया, तो उसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। 2016 डिमोनेटाइजेशन ब्रॉट आउट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लैक ऑफ कंसल्टेशन, उसे ये देखने को मिला कि कंसल्ट नहीं किया गया विद इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ऐसा हो, शायद कंसल्टेशन किया जाता तो शायद डिमोनेटाइजेशन नहीं होता, है ना। दोज विद ब्लैक मनी एस्केप, जो ब्लैक मनी वाले थे वो भाई एस्केप हो गए, यानी बच के निकल गए। दोज हु हैड नेवर सीन ब्लैक मनी, और वो लोग जिन्होंने कभी ब्लैक मनी नहीं देखा, वर पुट इन ग्रेट हार्डशिप, उनको बहुत ज्यादा मशक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ा। ग्रोथ ऑफ ब्लैक इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ इलीगैलिटी, ऑफकोर्स इट हैज गॉन अप 4-5% ऑफ GDP इन 1955-56, वो GDP का 4-5% ब्लैक मनी था उस वक्त, लेकिन अब प्रेजेंट लेवल पे कितना हो गया, 62% तक हो गया, लोग घपला करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी ये भी खराब हो रहा है, यानी मैनेज हो नहीं पा रहा, इट हैज बिकम सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक,
ये सिस्टमैटिक और सिस्टमिक हो गई है। सिस्टमैटिक का मतलब हो जाता है एक तरीके से, प्रोसीजर से, और सिस्टमिक का मतलब ये सब सिस्टम से ही हो रही है, यानी सिस्टमैटिक होकर सिस्टम से ही हो रही है, ये इन्होंने ऐसा बना दिया है। एंड इरोडेड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग ऑल अक्रॉस द बोर्ड, और पूरे बोर्ड में जो भी फंक्शन है वो पूरा का पूरा खराब हो रहा है, इरोड हो गया। दिस हैज डैमेज इंस्टीट्यूशन, जिसने कि इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर दिया, उसकी पूरी पूरी इमेज को डैमेज कर दिया गया है, हो ही गई है इमेज तो डैमेज। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल्स एंड सिस्टम्स टू फंक्शन, देयर ब्रेकडाउन लीड्स, जब ये खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उनके ब्रेकडाउन से क्या होता है, टू अ ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटल फंक्शनिंग में ब्रेकडाउन होता है। लोगों को लगता है कि ये खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रही है, उन्हीं के अंदर दिमाग में तो बढ़ता है। डेमोक्रेसी इज वीकन, डेमोक्रेसी वीकन होती है, एंड द सेंस ऑफ जस्टिस इज इरोडेड, एंड द अपोजिशन इज सॉट टू बी सप्रेस्ड, और ऐसा लगता है अपोजिशन को भी दबाया जा रहा है, सब दबाया जा रहा है, कुछ ढंग से हो ही नहीं रहा है। कहते ना कि यार कोई सुनता ही नहीं है हमारे देश में, कोई किसी की नहीं सुनता, तो ऐसा लोगों को लगने लग जाता है धीरे धीरे। एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है कि लोग, राइटर समझा रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी कुछ करता है और लगता है कि ये पूरा का पूरा खराब है। हम कहते हैं एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, जिसमें 1%, 2%, 3% ऐसे हैं जिसकी वजह से लगता है ये पार्टी ही खराब है। हमने कहा एक पार्टी है बीजेपी, जिसमें 1%, 2%, 3% ऐसा लगता है ये पार्टी ही खराब है, है ना। तो पर्सन एक दो हर जगह आपको मिलेंगे, उन्हीं की वजह से चीजें खराब होती हैं, तो यही बस ध्यान रखना है। इफ इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग, अगर इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, दे आर रेस्पेक्टेड, उनकी रेस्पेक्ट होगी, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट देम, उनको मैनिपुलेट करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप सही हैं तो सही हैं, अगर आप में थोड़ी बहुत भी गलती है, थोड़ी बहुत भी आपके अंदर किसी न किसी की कमी है, तो लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूमर्स बनने लग जाते हैं। इट इनेबल्स द ऑनेस्ट टू सर्वाइव, इसकी वजह से जो ऑनेस्ट मैन होता है वो सर्वाइव कर सकता है। इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल करप्शन इज एन एबरेशन, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होती है उसमें इंडिविजुअल करप्शन नहीं कर पाता, एक दो आदमी फिर करप्शन नहीं कर पाएगा, बट व्हेन दे वीकन, जब वो इंस्टीट्यूशन वीकन हो जाती हैं, इट बिकम जनरलाइज, फिर जनरलाइज हो जाएगा, लोग वहां पर करप्शन कर देते हैं बड़े आसानी से। इट लीड्स टू इंडिविजुअलाइजेशन, इलीगैलिटी बिकम्स एक्सेप्टेबल, एंड द कलेक्टिव इंटरेस्ट सफर्स, और जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट होता है, यानी कि पूरा पूरा जो सबके फायदे वाली बात होती है, वही सबसे ज्यादा सफर करती है। इवन एन ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर टोलरेटेड डिसऑनेस्टी अंडर हिम, अपने ही अंडर उन्होंने डिसऑनेस्टी को टोलरेट किया है। द डिलेमा इज, डिलेमा ये है, कैन अ डिसऑनेस्ट सिस्टम, ये जो डिसऑनेस्ट सिस्टम है, बी मैनेज्ड ऑनेस्टली, क्या ये ऑनेस्टली मैनेज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने भी आप ही से पूछा है, यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ कैन आ डिसऑनेस्ट सिस्टम बी मैनेज ऑनेस्टली। मैं यस और नो का वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछा, नहीं तो कई लोग कहते हैं नो सर ऑनेस्ट तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता, हमें तो चाहिए एक गब्बर, ठीक है ना। तो ये हालांकि क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर देने, मुझे बताना आप सबको समझ आया है या नहीं आया है, ये आया है यार नहीं कैसे बात ही नहीं है, आया जरूर आया है आप लोगों को समझ में, अगर फिर भी रह रहा हो तो वीडियो को जरा करना पीछे और फिर से दोबारा सुन लेना, ढंग से समझ आ जाएगा। हर किसी को आंसर देना है, आंसर मुझे भेजिएगा मेरी मेल आई डी पर, दैट इज vishal.parihar@adda247.com। अरे यार ठीक है समझ गया ना, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख गया, अड्डा लिखा हुआ, अड्डा ADDA, ठीक है, adda247.com मेरी मेल आईडी पर मुझे भेजिएगा। मैं सभी के आंसर अपने फेसबुक पेज पर लगा लूँगा, आप लगा दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, फेसबुक पेज मेरा मिल जाएगा आपको, विशाल परिहार पेज लिखिएगा आपको मिल जाएगा इजीली, क्लियर। तो अब हम सेशन को ख़त्म करते हैं, समझ आ गया तो मेरे को एक बार बोल दो, यस सर वी गॉट इट, प्रेस ऑन द लाइक बटन इफ यू गॉट इट, क्योंकि अगर जब आप मुझे लाइक बटन प्रेस करते हो मुझे लगता है मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है, मुझे लगता है यार समझ आ गया, ठीक है। और मैं तो कल देख भी रहा था, किसी ने लिखा सुबह का नाश्ता जो सर है वो लाइक्स होता है, ऑफकोर्स सुबह का नाश्ता मेरा आपके लाइक्स से होता है, तो आपने इनमें फटाफट लाइक्स दे दीजिए, मेरा नाश्ता हो जाएगा। मिलूंगा मैं आपको शाम को 4 बजे, 4 से 5 इंग्लिश की क्लास, 5 से 6 रीजनिंग, और 6 से 7 मैथ्स की क्लास, तीनों क्लास आप रेगुलर बेसिस पर देखिए, क्लर्क अगर आपका एग्जाम है आपकी काफ़ी हद तक वहाँ पर हेल्प मिलेगी। शाम को 4 बजे आपको मिलते हैं, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ लिख कर कि एडिटोरियल बाय विशाल सर इज नाउ लाइव ऑन adda247। तो हम आपसे मिलेंगे आपको शाम को 4 बजे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, आई लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ये है कुश सर और ये है विशाल सर, द हिंदू कंप्लीट शो, 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो।